कल है चैत्र नवरात्रि, कल से शुरू है, तो आप लोग नीम के पेड़ पर जल जरूर दीजिए। सुना है कि नीम के पेड़ में माता जी का निवास होता है और नवरात्रि में नीम के पेड़ को जल जरूर देना चाहिए, तो कल से अगर आपके घर हो तो वहाँ भी जल जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं कपड़ा फैलाने आई थी। दोस्तों मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने न्यू वीडियो में। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और वीडियो पे बने रहिएगा। तो आज दोस्तों मंगलवार है, कल बुधवार है और नवरात्रि का आरंभ है। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल से नवरात्रि शुरू है, 30 अप्रैल को ख़त्म है। तो दोस्तों चलिए हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। तो अब हम आ गए खाना बनाने की तरफ और माँ जी पढ़ रही हैं सुंदरकांड, क्योंकि आज है मंगलवार और उनका मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ना होता है। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने और हमारे यहाँ सब्जियों का है भंडार, खाने वाले हैं दो लोग क्योंकि नवरात्रि है, तो इसलिए कल से प्याज लहसुन हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने आज ही मिक्स वेज बना लिया है। तो प्याज, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, आलू सब कुछ मिक्स करके मिक्स वेज बनाया है। और मैंने बनाया है इसके साथ सलाद, रोटी, चावल। तो कल से प्याज लहसुन हमारे यहाँ नवरात्र में नहीं पड़ता है, किसी को खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि माता जी निवास करती हैं। दोस्तों कल है नवरात्रि, तो उसका तो सामान मंगवाना पड़ता है क्योंकि नवरात्रि में पूजन स्पेशल तरीके से होती है, व्रत भी रहना होता है, तो व्रत का सामान भी मंगाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो हम लोग तीन फैमिली हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं, मेरी सासू माँ। तो अभी मेरे हस्बैंड जी बाहर नोएडा हैं, तो मार्केट करने की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए सामान सब माँ जी को ही मार्केट जाना पड़ता है। तो माँ जी मार्केट गई हैं और अभी लेके आएंगी सामान। तो कुछ खास सामान नहीं, बस घर के छोटे मोटे सामान और पूजा के सामान और व्रत के सामान, बस वही सब लाना है। बाकी तो सारा बाज़ार एक बार में ही हो जाता है कि पूरा महीना निकल जाए, बट जब कोई विशेष त्यौहार बीच में पड़ जाता है तो उसका अलग से बाज़ार करना ही पड़ता है, क्योंकि फेस्टिवल का तो बाज़ार महीने भर में करेंगे नहीं। तो जैसे होली था तो होली में माँ जी एक बार गई थी मार्केट करके आई थी, अभी नवरात्रि का मार्केट करना है तो क्या लेकर आती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और मेरा मैंने स्लीपर भी मंगवाया था तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि मेरा स्लीपर टूट गया है। तो अभी मैं ऐसे ही हूँ, बस मैं सुबह उठती हूँ, जब मैं नहा धो के पूजा करती हूँ ना, तो फिर मैं काम में लग जाती हूँ। जब तक तो पूरा काम नहीं ख़त्म हो जाता मैं कंघी नहीं करती, और ट्विंकल को भी देखना रहता है, बच्चे की माँ हो समझ सकते हैं आप। तो अभी मैं खाना बना चुकी, झाड़ू पोछा बर्तन घर के सारे काम निपटा लिए, और मैंने ट्विंकल को भी सारे काम कर लिए, बस नहलाना है उसको। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और मेरा शक्ल देखिए एकदम किस तरह का हो गया है। तो दोस्तों हम ट्विंकल को नहला चुके हैं और अब हम उसको जा रहे हैं पाउडर लगाने। तो अभी उसके बाल हैं भीगे क्योंकि मैंने शैम्पू लगा के वॉश किया है, क्योंकि कल से है नवरात्रि तो मैंने शैम्पू लगा के वॉश कर दिया बाल को, और मैंने हाथों में हल्का फुल्का तेल लगा के मुंह में लगा दिया पाउडर। और नहलाने के बाद बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, तो मैंने दे दिया है चीनी डाल के। गुड बच्चा, अपने पी हो, और क्या खाती हो? उनमें अनार खाती हूँ। उनमें आम खाती हूँ। अच्छा, और क्या खाती हो? और तरबूजा खाती हूँ। तो आप नहा चुकी ना, आपके बाल भीगे हुए हैं ना बेटा, ठीक है, सूख जाएगा तो फिर चोटी बना देंगे, ठीक है। एक लड़की मेरे घर ऐसे बोलती है और मैं क्या खाती हूँ बाल सूख जाएगा तो दो चोटी कर देंगे, ठीक है। पा से परी, पा से पहाड़, फा से फल, फा से फूल, फा से फन, बा से बस, बा से बंदर, बा से बर्फ, हाँ, भा से भगत, भा से भालू, भा से भगोना, माँ से मगरमच्छ, माँ से मटर,
माँ से मछली अभी मारेंगे तुमको, पानी में से निकालो तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, ठीक है। तो ट्विंकल का मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है, खिला पिला नहला के उसको पढ़ा भी दिया है। मैं एक घंटे रोज़ उसको पढ़ाती हूँ। और अब दोपहर के बज रहे हैं एक, और माँ जी मार्केट से आ गई हैं, पास में ही मार्केट है। तो देखिए चलिए दिखाते हैं क्या क्या सामान मंगाई हुआ है। तो ये घर के कुछ सामान, तिल का तेल, मूँगफली का तेल, सरसों का तेल और हल्दी मसाले जो भी घर के होते हैं, कुछ यूज वाली चीज़। तो 10-15 दिन में ट्विंकल के पापा भी घर पे आने वाले हैं, तो बस 10-15 दिन की बात है। तो हम लोग कैसे भी तरह थोड़ा बहुत सामान मंगा लिए हैं, और मैंने माता जी की चुनरी, नारियल, फल और सारे पूजा के सामान भी मंगा लिए हैं। कल नवरात्रि का प्रारंभ है तो सब कुछ अच्छे से करेंगे। तो मैंने स्टील का मेरे पास एक ड्रम है और मैं सब कुछ उसमें पैक कर देती हूँ। मैंने सब्जियाँ भी मंगा ली हैं काफ़ी, ताकि अब हमारा 10 दिन आराम से निकल जाए। तो ये बैंगन, बोड़ा, बहुत सारी सब्जियाँ हैं। ये केले की सब्जी है जो कि कल व्रत में हम लोग बनाएंगे सब्जी, आलू केले की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है व्रत में। तो ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक स्लीपर भी मंगवाया है, मेरे जो स्लीपर था घर का ना वो टूट गया था, तो माँ जी मेरे लिए लेके आई हैं। अच्छी है, पसंद उनकी, तो बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा है। और मेरे रूम का एक बल्ब भी फ्यूज हो गया था, तो मैंने एक सीफियल भी मंगवाया। तो जब सारा काम ख़त्म हो गया है तो अब मैं चलूँगी रील बनाने। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ रील बनाने, तो थोड़ा टाइम मैंने निकाला है रील बनाने के लिए, क्योंकि अभी काम बहुत रहता है और जो रोज़ का मतलब ब्लॉग रहता है ना वो मैं कैसे भी बना लेती हूँ, बट रील मैं थोड़ा सा तैयार होकर बनाती हूँ, क्योंकि रील शॉर्ट है और काफ़ी लोग उसको देखते हैं, शॉर्ट फीड ज़्यादा चला जाता है तो बहुत लोग देख भी लेते हैं, उस पर व्यूज़ भी अच्छे खासे आ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, और मैं इंस्टा के लिए भी एक दो वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। और मैं कुछ नहीं, बस एक मैंने सिंपल सी कुर्ती पहनी है और मैंने बाल झाड़े हैं बस, और बिंदी लिपस्टिक तो रोज़ का चीज़ है वो आपको पता ही है। घर का काम टाइम निकाल के थोड़ा सा बनाना ही पड़ता है। तो कल नवरात्रि है तो मुझे नवरात्रि पर भी वीडियो बनाना है और बहुत सारा काम है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं फटाफट रील बना लेती हूँ, ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो ये देखो दोस्तों हमारे यहाँ कितना तेज आंधी आ गया है, मैं रील ही बना रही थी कि आंधी आ गया, और माँ जी मार्केट से आ गई तो अच्छा हो गया, नहीं तो फिर रास्ते में हो जाती थी। बादल काले घने छाए हुए हैं। आप लोगों के यहाँ आंधी आया है कि नहीं, आज बारिश हुई है कि नहीं, जरूर कमेंट में बताइएगा। कल नवरात्रि है, माता जी के आने के पहले की गड़गड़ाहट है, वाह। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते ही पेड़ मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।